ओके जी, आपके पास एक थ्योरम है, इस थ्योरम को हमने प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है कि जी मॉडुलस लें या नेगेटिव जी का मॉडुलस लें, या कॉन्जुगेट ऑफ जी या नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ जी का मॉडुलस लें, इनका आंसर हमेशा इक्वल आता है। तो उसके लिए लेट कर लेते हैं एक नंबर जी जनरल फॉर्म में, ए प्लस बी एटा। हमें जी भी चाहिए, माइनस जी भी चाहिए, तो माइनस जी क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ए माइनस बी एटा। इस तरह कॉन्जुगेट ऑफ जी और नेगेटिव कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो जी का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। और नेगेटिव ऑफ जी कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा कि इसको, ये जी कॉन्जुगेट है ना, तो इसका नेगेटिव यानी इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया। अब इन चारों का मॉडुलस हमें फाइंड करना, तो वो आंसर हमेशा चारों का इक्वल आना चाहिए। तो जी मॉडुलस पहले फाइंड करते हैं, ये जी मॉडुलस है, कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो डेफिनेटली वो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस तरह नेगेटिव ऑफ जी का मॉडुलस फाइंड करते हैं, ये है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक हो गया। पावर इवन की वजह से दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है अभी इस इंस्टीट्यूशन में थोड़ी सी पार्टी चल रही है, बच्चों का बोनफायर हो रहा है और मैं बोनफायर को मिस करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह जी कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है, तो अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है माइनस बी उसका स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस तरह नेगेटिव जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना है, तो उसे माइनस ए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये भी आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। देखें सबका आंसर इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, हेंस नेगेटिव जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव जी कॉन्जुगेट मॉडुलस, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, ये आपका एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा थर्ड में भी एक हमारे पास थ्योरम है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर की इक्वल आता है। तो ये प्रूव करने के लिए भी हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास z है a प्लस बी आयोटा, z मॉडुलस यानी z कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो a माइनस बी आयोटा हो गया कॉन्जुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी पैक हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है, जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वजह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास है इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमारे पास है जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो पहले हम देखते हैं जी मॉडुलस होता क्या है। ये होता है, हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहाँ से सेम नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। ये जी मॉडुलस लिखा है जी, ठीक है।